अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम रॉयल ट्रिम। आज हम आपके लिए लाए हैं अपने दो मोस्ट फेमस ड्रिंगलिंग मॉडल्स जो हैं उनका कंपैरिजन, और आपको ये भी बताएंगे कि इनमें से आपने कैसे जज करना होता है कि ओरिजिनल कौन सा है, कॉपी कौन सा है, और छोटा जो ट्रिमर है उसमें और बड़े ट्रिमर में डिफरेंस क्या है, इनका प्राइस डिफरेंस क्या है, इनका परफॉर्मेंस डिफरेंस क्या है, ये सारी चीज़ें हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू जी। ये रहा हमारा 601 मॉडल, और ये है जी 607, जिसको हम लार्ज ट्रिमर भी बोलते हैं। ये जो 601 मॉडल है इसके साथ सिंगल कॉम आती है, प्लास्टिक अटैचमेंट्स भी इसको बोलते हैं, ये सिंगल आती है इसके साथ। और जो दूसरा है हमारा लार्ज वाला, उसके साथ हमारी टोटल 5 अटैचमेंट आती है, तो प्लास्टिक कॉम्स होती हैं, ये आप देख सकते हैं। ये डिफरेंट साइजिंग के लिए इसके साथ अवेलेबल होती है। ये तो हो गया जी इन दोनों का कंपैरिजन आपके सामने। उसके बाद ये है कि मशीन साइज़ आप देख सकते हैं दोनों का क्या डिफरेंस है। ये मशीन छोटी है, ये मशीन जो है उसकी नस्बत ऑलमोस्ट डबल साइज की है। और इसके साथ क्लिप्स का बता दिया। दूसरा इनका बैकअप टाइम डिफरेंस होता है, इसका बैकअप टाइम थोड़ा है छोटे का। ये जो बड़ा ट्रिमर है तकरीबन ये 40 मिनट्स, ये 40 मिनट्स प्लस कह लें, ये निकालता है फुल चार्ज किया हो तो। ये छोटे ट्रिमर का यूजेज जो है ये लिमिटेड है, या बच्चों के लिए कर सकते हैं, या बिल्कुल जो छोटे बाल हैं उन पर किया जा सकता है। और ये जो बड़ा ट्रिमर है ये आप दाढ़ी पे करें, सर के बालों पे करें, ये हैवी ड्यूटी यूजेज के लिए है। और ऑलमोस्ट आपके 99% जो सैलून्स हैं उन सब में ये वाला ट्रिमर और ये दोनों छोटा और बड़ा दोनों ट्रिमर ये यूज़ हो रहे हैं इस वक्त जी। ये तो इन दोनों का हो गया आपस में कंपेरिजन। अब हम आपको बताएंगे कि आपने ओरिजिनल और फेक को कैसे जज करना है, कि आपको कोई फेक ट्रिमर तो नहीं सेल कर रहा। उसके लिए सबसे पहले जो चीज़ आपने देखनी है वो है जी इसके ये बॉक्स पर आप आ जाएंगे, और सबसे पहले आप देखेंगे कि बॉक्स के ऊपर जो जिंगलिंग के स्पेलिंग लिखे हुए वो क्या है। एग्जैक्टली ये स्पेलिंग होनी चाहिए, मीन्स कि ये ओरिजिनल है। स्पेलिंग में अगर एक लफ्ज़ का भी डिफरेंस हुआ तो वो ओरिजिनल नहीं है। स्ट्रेट अवे बॉक्स खोलने से पहले ही आपको पता चल जाएगा। वो डिंग लॉन्ग हो सकता है, डिंग लेंथ हो सकता है, यानी आर एल ओ होगा, एल ई होगा, या कुछ और स्पेलिंग्स होंगे, ये स्पेलिंग नहीं हो सकते जी। नंबर वन निशानी होगी बॉक्स से ये चीज़। सेकंड निशानी ये है कि ये जी अपने इसके इम्पोर्टर है शहजाद असलम साहब, ये इन्होंने अपनी पिक्चर ही बॉक्स के ऊपर लगवा दी हुई है ताकि कॉपीज ना बन सकें। जाहिर है इन्होंने कॉपीराइट इसके करवाया हुआ है, इसके राइट्स लिए हुए, तो इन्होंने अपनी इमेज ही ऊपर प्रिंट करवा दी है कि कोई और बंदा ना करवा सके इसको। ये एक सेकंड निशानी है जो आपको बॉक्स से ही मिल जाएगी कि ये ओरिजिनल है कि नहीं है। दूसरा इनके मॉडल भी एग्जैक्ट ये होने चाहिए, RF601 RF607 जी। उसके बाद हम आ जाएंगे मशीन इटसेल्फ जो है वो भी आपको बता देती है कि वो ओरिजिनल है कि नहीं। आपने जब इसके ब्लेड को चेक करेंगे तो ब्लेड के ऊपर लिखा होगा ओरिजिनल, डेंगलिंग ओरिजिनल, ये भी एक निशानी है ओरिजिनल ट्रिमर की। ये आप देख सकते हैं दोनों ट्रिमर्स पे ये मेंशन होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें जो है इसकी बैक पर दो होलोग्राम स्टिकर्स लगे होंगे, ये आप इसको अगर कैमरे में देख पाएं। इनमें भी ये है कि इन स्टिकर्स पे आपको दो किस्म के इमेजेस नज़र आएंगे, इनको अगर आप मूव करके देखेंगे। एक इमेज जो है ये अपने किसी चाइनीज़ जो इनके मेरे हाल में मैन्युफैक्चरर हैं उनका है, और दूसरा शहजाद साहब की अपनी पिक्चर है, उसका भी होलोग्राम बनाया हुआ है। उसका भी मकसद उनका यही है कि जी जो कॉपी कर रहे हैं ब्रांड को उनको मिनिमम किया जाए, उनसे उनके साथ कह लें कि कंपेरिजन दिखाया जाए, लोगों को गाइड किया जाए ताकि वो ओरिजिनल लें। इसके अलावा फाइनली एक चीज़ सिर्फ आपको बताएंगे कि ये जो अभी ब्लू पैकिंग आप देख रहे हैं, लेटेस्ट जो इम्पोर्ट्स हुई हैं इसकी डिंगलिंग की, वो इन्होंने शहजाद साहब ने या इनके इम्पोर्टर जो भी हैं यहाँ पर पाकिस्तान में, इन्होंने इसको ब्लू कलर का बॉक्स कर दिया है जस्ट बिकॉज कि अब डिफरेंस दिखाने के लिए, क्योंकि बाकी जितने कॉपीज़ हैं वो एकदम से अगर आप बॉक्स देखेंगे तो आपको डिफरेंस ही समझ नहीं आएगा जब तक आप ये निशानियाँ नहीं देखेंगे स्पेलिंग की और उनकी पिक्चर की। ये मैं आपको पुराना बॉक्स दिखा रहा हूँ, ये इन्हीं का ही पुराना बॉक्स है, और ये भी ओरिजिनल ट्रिमर है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ दोनों में ये है कि ये ब्लैक कलर का है, ये ब्लू कलर का है। दोनों ओरिजिनल हैं, दोनों सेम डिटो कॉपी हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, मशीन में भी कोई डिफरेंस नहीं, बाकी भी कोई डिफरेंस नहीं, दोनों ओरिजिनल। ओनली सिर्फ इनका इन्होंने कलर चेंज कर दिया ब्लू कलर का, जस्ट टू मेक हिमसेल्फ डिफरेंशिएट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द ब्रांड्स।
स्पेशली द वंस हु आर कॉपिंग देयर ब्रांड ऑलरेडी। सो ये डिफरेंस है जी इन दोनों का, ये आप देख लें। और ऑल द वेरी बेस्ट, जब भी ट्रिमर लें, जहाँ से भी लें, अगर आप ओरिजिनल लेना चाह रहे हैं तो ये मेक श्योर कर लीजिएगा, ये जो आपको हमने इसमें निशानियाँ बताई हैं ये आप देख लेंगे तो आपके साथ किसी किस्म की कहने के वो धोखा नहीं हो पाएगा। और आप ओरिजिनल ट्रिमर ही लेंगे और ओरिजिनल की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है और ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा है। ये ट्रिमर हम 601 जो है वो 1700 का सेल कर रहे हैं, 607 जो है ये 2200 का सेल कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस और स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।